नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। आज कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के उत्तरी पंचायत भवन में प्रखंड के सभी उप मुखिया ने मिलकर एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता दक्षिणी पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि कामेश्वर यादव ने की, जिसमें बताया गया कि बैठक का उद्देश्य उप मुखिया के अधिकारों के हनन और प्रखंड की जनता के हितों की रक्षा के लिए किया गया। बैठक में सभी उप मुखिया ने सर्वसम्मति से इस बात पर चिंता जताई कि मरकच्चो प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जनता हित से जुड़े किसी भी फॉर्म पर उप मुखिया के सिग्नेचर को कोई अहमियत नहीं दी जाती। अगर पंचायत में मुखिया ही सब कुछ है तो उप मुखिया का चुनाव क्यों करवाया जाता है। संघ के सदस्यों ने सर्वसम्मति से मांग की कि जनता के हित के मुद्दों पर मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया के सिग्नेचर को महत्व दिया जाए, ताकि जनता की भलाई के काम ना रुकें। प्रदीप जी, आज पूरे मरकच्चो प्रखंड के उप मुखिया लोगों के द्वारा आपको उप मुखिया संघ का, मरकच्चो प्रखंड का अध्यक्ष चुना गया, आप आगे कैसे ले जाएगा इस संघ को? आज मरकच्चो प्रखंड के उप मुखिया द्वारा जो हमें सम्मानित किया गया, इसके लिए मैं सबों का आभार प्रकट करता हूं। और मैं आश्वासन देता हूं कि जो भी काम होगा हम सबों के सहयोग से और सबको हम एक साथ मिलाकर चलने का भरपूर प्रयास करेंगे। मरकच्चो प्रखंड विकास पदाधिकारी पप्पू रजक, जिनके द्वारा अगर किसी भी पंचायत के कोई भी उप मुखिया का कोई फॉर्म आता है तो ये कह के वापस करवा देते हैं कि इस पर मुखिया का साइन नहीं है, तो इस पर आप क्या मांग करेंगे? इस पर हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल का गठन करेंगे और प्रखंड विकास पदाधिकारी से जाके मिलेंगे और इस पर विचार करेंगे। इस संगठन को किस नज़रिए से आप देखते हैं आने वाले समय के लिए? आने वाले समय में हम लोग यह देखते हैं कि हम लोगों के सहमति से, सहभागिता से और मिल के काम करने से हम लोगों का प्रत्येक पंचायत का विकास होगा और विकास में रफ्तार पकड़ेगा। आप तो मरकच्चो मध्य पंचायत से हैं और आपका कई पंचायत ऐसे जो सुदूरवर्ती में से डगरनवा आते हैं, वहाँ तक आपका जो विकास का मुद्दा है कैसे पहुँचेगा? वहाँ के जनप्रतिनिधि मंडल से, उप मुखिया से, वार्ड सदस्यों से हम हमेशा सहयोग संपर्क बना के रखेंगे और वहाँ की किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो हम वहाँ जाके भी और मिल के और उसका निपटारा करने का प्रयास करेंगे। आपके नज़र में प्रखंड स्तर पर कोई ऐसा समस्या है जिसको आप पहले प्राथमिकता के रूप में लीजिएगा? प्रखंड स्तर पर फिलहाल ऐसी कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जिस पर काम चालू है अभी फिलहाल, परंतु इसको, इसमें और तेजी लाया जाए, इस पर विचार करेंगे। बैठक में सभी उप मुखिया ने मिलकर सर्वसम्मति से एक संगठन के गठन को अमली जामा पहनाया। इस उप मुखिया संघ में सर्वसम्मति से प्रदीप राम को अध्यक्ष और भुवनेश्वर राणा को उपाध्यक्ष चुना गया, जबकि पूर्णिमा देवी पत्नी साकेत पांडे को संघ के सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। पिंटू कुमार गुप्ता कोषाध्यक्ष, सिकंदर पंडित उप सचिव और पूजा कुमारी मीडिया प्रभारी की भूमिका निभाएंगे। बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि इस उप मुखिया संघ की हर महीने की 30 तारीख को बैठक होगी। किसी विशेष परिस्थिति में बैठक की तारीख में बदलाव किया जा सकता है, जिसे संघ के मीडिया प्रभारी के द्वारा अवगत कराया जाएगा। एआरआई न्यूज के लिए साकेत पांडे की रिपोर्ट।